शीशे वाने वाला में काबिल और अहल लोग आए, चाहते हैं मेरिट की बुनियाद पर शफाफ तरीका कार के तहत सेनेटर मुंतखब हों। वज़ीर आज़म की सेनेटर शहजाद वसीम से गुफ्तगू। शहजाद वसीम कहते हैं 2015 में सेनेट इलेक्शन की शफाफियत का मामला ऐवान में उठाया था। सिफारिशात में बैलेट पेपर पर वोटर का नाम दर्ज करना शामिल था। ये बात भी मौजूद थी कि पार्टी सरबरा वोट देख सकता है। पंजाब से टेक्नोक्रेट और खवातीन की नशस्तों का फैसला बगैर वोटिंग हो गया। पीटीआई के बैरिस्टर अली जफर और डॉक्टर जरका, नून लीग के आजम तारर और सादिया आबासी बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। टेक्नोक्रेट की नशस्त पर तहरीक इंसाफ के अताउल्लाह खान ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। अब सिर्फ 7 जनरल नशस्तों पर वोटिंग होगी। सेनेट इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को जहांगीर तरीन की याद आ गई। वजीर खजाना हफीज शेख ने सेनेट इलेक्शन में जहांगीर तरीन से मदद मांग ली। जहांगीर तरीन ने मदद की यकीन दहानी करा दी। कहा, आप मेरे दोस्त हैं, हमारी पार्टी के उम्मीदवार हैं, आपके साथ मुकम्मल तावन करूंगा। कठपुतलियों की असल औकात क्या है? जिन्नी इलेक्शन ने पूरे पाकिस्तान को दिखा दिया। आइंदा इलेक्शन में इनकी जमानत जब्त होगी। सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स परेशान हो गए हैं। बिलावल भुट्टो का PS 88 मलीन में तकरीब से खिताब। कहा, सेनेट इलेक्शन में धांधली नहीं करने देंगे। सेक्रेटरीट और सीक्रेट और ओपन बैलेट दोनों के लिए तैयार हैं। 2018 के सेनेट इलेक्शन में धांधली का सुओ मोटो क्यों नहीं दिया गया? मार्च में मार्च होगा। अफसोस है, पीपल्स पार्टी और नून लीग अपने ही मुआहदे से फिर गए। दोनों जमातों ने मिसाक जमहूरियत में खुफिया तरीक़ाकार को खत्म करने का मुआहदा किया था। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के ओपन बैलेट सदारती रेफरेंस में रिमार्क्स। कहा, मिसाक जमहूरियत के दस्तावेज मौजूद हैं। दस्तखत करने वाली पार्टियां अमल नहीं कर रही। ओपन बैलेट से हॉर्स फीडिंग खत्म होगी या नहीं, कुछ नहीं कह सकते। सेनेट इलेक्शन से कबल पीडीएम को धचका। इलेक्शन कमीशन ने परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। पंजाब हाउस के वाजबात की अदम अदायगी जवाब करार। लीगी रहनुमा का इलेक्शन ट्राइब्यूनल में फैसला चैलेंज करने का ऐलान। कहा, सब इमरान खान की हिदायत पर हुआ, तनकीद इमरान खान को बर्दाश्त नहीं। यूसुफ रजा गिलानी और फैसल वाबदा के सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी मंजूर। जो अवाम को कबूल है उसे और किसी की कबूलियत की जरूरत नहीं। कबूल ना करने वाले कई आए और गए। नवाज शरीफ भी पूरी आबोताब और कुव्वत से चमक रहा है और परवेज रशीद भी। अल्लाह ताला के बाद अवामी ताकत सबसे बड़ी ताकत है, बाकी सब वक्त वक्त की बात है। मरियम नवाज का ट्वीट। मसूद फाउंडेशन अफगानिस्तान के सरबराह अहमद वली मसूद की वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात। वजीर आजम ने कहा कि अफगानिस्तान तनाज़ो का कोई फौजी हल नहीं, सियासी दिलचस्पियां ही अफगान तनाज़ो का हल है। अमेरिका तालिबान मुआहदे की मुकम्मल हिमायत करते हैं। इंट्रा अफगान मुज़ाकरात की हिमायत जारी रखेंगे। पेमरा की बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जारी। ना अहल चेयरमैन पेमरा सलीम बेग की पेमरा अफसरान के जरिए गैर कानूनी इकदाम। कहीं नशियात बंद तो कहीं आखिरी नंबरों पर। मुल्क भर में सहाफ़ी और सिविल सोसाइटी के एहतजाज के बावजूद हठधर्मी बरकरार। नाज़रीन बोल की नशियात लाइव स्ट्रीमिंग और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। पाकिस्तान बाहिमत को पैमा से महरूम। मोहम्मद अली सतपारा के बेटे ने वालिद की मौत की तस्दीक कर दी। साजिद सतपारा ने कहा, यकीनन उन्हें K2 सर करने के बाद वापसी पर हादसा पेश आया। जीबी के वजीर सयाहत राजा नासिर कहते हैं, मौसमी हालात को मद्देनजर रखते हुए इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अली सतपारा और दीगर दो लापता कोह पैमा अब दुनिया में नहीं रहे। कौमी हीरो के बच्चों को स्कॉलरशिप देने का ऐलान। और अलविदा मुशाहिदुल्ला खान, अलविदा। बुजुर्ग नून लीगी रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्ला खान का सफर आखरत। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात और अवाम की कसीर तादाद की शिरकत। इस्लामाबाद में सपुर्द खाक कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।